आज नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जौनपुर पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना साधा और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने दो बुलडोजर रखे हैं, एक से सड़क से बनवाते हैं तो वहीं दूसरा बुलडोजर अपराधियों पर चलता है। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर, दो बुलडोजर रखते हैं, इससे सड़क बनाते हैं, एक से गुंडों की संपत्ति को कुचलते हैं। और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 5 साल में जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है उससे निश्चित तौर से 300 से ऊपर का कमल खेलेगा। मीडिया में एक चर्चा है अखिलेश यादव को चुनावी खर्चे में जो है बघेल साहब ने हरा दिया, 10 मार्च को और क्या होने वाला है? 10 मार्च को देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी मनपसंद सीट को चुना है जिसको आप लोगों ने यादव लैंड कहा है, और उस जगह पूरे खानदान को बांध के रखना, उनको प्रचार के लिए मजबूर करना, 3 बार उनको बुला लेना, साथ में अपने वृद्ध एवं बीमार पिता नेताजी प्रेम सिंह जी को लाना, इस बात के संकेत हैं। आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया होगा, इसको फोबिया कहते हैं कि पूरा घर वोट मांगे। 1.5 लाख से जीतने वाला आदमी पूरे घर से वोट नहीं मंगवाता है, 3 बार नहीं आता है। क्या बदलापुर में वो अपने प्रत्याशी के लिए 2 बार आ रहे हैं? तो जब अच्छी सीट पे 3 बार आ रहे हैं तो खराब सीट पे 5 बार आना चाहिए था, नहीं आ रहे हैं तो ये उनकी हार की निशानी है। जौनपुर के मशहूर शहर में चुनावी जनसभा में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग सांप्रदायिकरण और तुष्टिकरण की बात करते हैं वो लोग मुस्लिम महिलाओं का हित नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अखिलेश यादव ने कहा था कि मोदी का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन खुद बाप और बेटे दोनों ने टीका लगवा लिया और जनता को गुमराह करने का काम किया है। मोदी जी ने आपको अनाज पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अनाज मिला था कि ना? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल मिलता है कि नहीं? और योगी जी का चना मिलता है कि नहीं? और नमक मिलता है कि नहीं? तेल मिलता है कि नहीं? तो मोदी जी का भी आपको अनाज मिल रहा है और योगी जी का भी, डबल इंजन है, डबल इंजन, भर पेट। हमारे मोदी जी ने कहा था कि किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे, और वो इंतजाम करके दिया। आप बताइए कोरोना आया कि नहीं आया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीन राउंड आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और आजकल आप लोग बिना मास्क के सट के बैठे हुए हैं, ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है क्योंकि मोदी जी ने 174 करोड़ का इंजेक्शन टीका लगा के देश को तैयार कर दिया। ये हमको याद कर रहा है। आज योगी जी से सुबह बात हो रही थी, मैंने योगी जी से पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितने टीके लगे? बोले 29 करोड़ लग चुके हैं, पहला राउंड तो सबको लग गया है, दूसरा राउंड भी 80% लग गया है, 20% अगले 20 दिन में लग जाएगा, पूरे का पूरा हो जाएगा। ये है डबल इंजन का डबल टीका, और ये है, आप बताओ मोदी जी ने देश बचा लिया कि नहीं बचा लिया? बचाया कि नहीं बचाया? और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में टीका लगा करके आप लोगों को जीवन रक्षा सुरक्षा दी कि नहीं दी? जीवन कवच दिया कि नहीं दिया? कुंडा विधानसभा क्षेत्र के रयापुर पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के पोलिंग एजेंट को गाड़ी में भरकर उठा ले जाने और पीटकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पूर्व मंत्री और कुंडा के विधायक रघुराजा प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ कुंडा कोतवाली में SC ST एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि रयापुर मैदान केंद्र पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव के समर्थक राकेश कुमार को कुछ हमलावर गाड़ी में उठाकर ले गए और मारपीट कर घायल कर दिया।
एजो ने राजा भैया के इशारे पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया था। बीजेपी सांसद और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बलरामपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सदर विधायक और राजमंत्री पलटू राम के लिए वोट मांगा। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने अखिलेश यादव को नमस्ते किया तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मैंने पूछ लिया कि आप टोटे कब वापस कर रहे हैं, हमारी सरकार को घर घर तक पानी पहुँचाना है। और मैंने एक ही बात उनसे पूछी है, देखो अखिलेश भाई यूपी कह रहा है टोटी वापस कर दो, मोदी योगी जी जल नल से जल देना चाहते हैं तो टोटिये लेके भाग गए हो। अब इतने बात हम क्या पूछे, मेरे ऊपर हिस्सा नाराज है। मैंने कहा भाई हम थोड़ी सब नाम देते हैं, हम जो जहाँ जाते हैं पूछे थे योगी जी तो लोग कहते बुलडोजर वाला, कहते हैं कि ताली बजाइए, ये नाम हमने नहीं दिया है, ये नाम उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। और नाम जब दिया तो मैंने दृश्य देखा, ऐसे ऐसे गुंडे माफिया, हम लोग जब खाली गाना गाते थे तब भी हम सबको धमका देते थे, मनोज तिवारी यहाँ जाके गाना है उसके बाद पैसा का तो नाम भी नहीं लेना। और क्या करते थे, डर लगता था पता नहीं कब मार देंगे। और वही उत्तर प्रदेश है, बुलडोजर जाता है पाप की कमाई को तोड़ने, और उसके साथ 50 पुलिस वाले नहीं होते हैं, 200 पुलिस वाले डंडा लेके बैठते हैं, पाप की कमाई गिरा दी जाती है और सब लोग हमारे उसी जगह। ये बुलडोजर बाबा का सवाल है। गोरखपुर के विधानसभा चुनाव प्रभारी विवेकानंद ने न्यूज़वर्ल्ड इंडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर रहा हूं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा का मुझे प्रभारी बनाया गया है, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और हम मुख्यमंत्री को बंपर मतों से चुनाव जिता रहे हैं। यहाँ की जनता का भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है और सभी तबके को आवास योजना, शौचालय, दंधन योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया है। देखिए मुझे योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ से प्रत्याशी हुए हैं और महाराज जी का ये लोकसभा का क्षेत्र रहा है, उस पीठ के महंत भी वो हैं गोरखनाथ मंदिर के। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या देखते हैं, तो पूरे संगठन यहाँ पहले से प्रभावी है। महाराज जी का कार्य क्षेत्र ऐसा रहा है कि उन्होंने जनता के बीच में रह काम किया है और सामाजिक सांस्कृतिक सब क्षेत्रों में और सुरक्षा के लिए और विकास को लेकर के जो महाराज जी ने रेखा खींची है पूरे देश के अंदर में उसकी चर्चा है। जैसे आप प्रेस के भी काम देख ही रहे हैं कि रामगढ़ ताल नंबर 1 पर था, ठीक है, यहाँ पर जूहू केंद्र बनाया गया, सड़कें 4 लेन बनाई जा रही हैं और आपको विकास हर तरफ गोरखपुर जहाँ भी जाएंगे अभी 4 लेन की सड़कें आउटसाइडों में तीनों चारों तरफ से बनाए जा रहे हैं। और योगी जी तो ऐसे हैं कि जो सुरक्षा के नाम लोग कहते हैं कि ये आपका बुलडोजर, तो बुलडोजर विकास का भी प्रतीक है और जो विनाश करना चाहते हैं उनके लिए ध्वंस करने के भी ये बुलडोजर का काम। जैसे महाराज जी ने सड़क चौड़ी करनी थी तो गोरखनाथ मंदिर रोड जो था 4 लेन बनाने के लिए उन्होंने पहले अपनी गोरखनाथ मंदिर के 200 कुछ दुकानों को बुलडोजर से ही तोड़वाया, ताकि विकास होना चाहिए समाज के हित में। लेकिन जो लोग समाज के हित में नहीं सोचते हैं, दंगाई थे, गुंडे थे, बदमाश थे, ज़मीनों को कब्जा करते थे, तो महाराज जी ने वही बुलडोजर उनके ऊपर चलवा करके गरीबों के लिए आवास बनवा रहे हैं और गुंडों को जेलों के अंदर में, और जो बात को नहीं समझा वो कहीं अपनी व्यवस्था कर लिया। महाराज जी चुनाव भारी बहुमत से जीत रहे हैं, यहाँ पर कोई भी जो राजनीतिक केवल उन नाम के लिए लड़ रहे हैं कि हम योगी जी के सामने लड़ रहे हैं। औरैया में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं, हर चौराहे पर पुलिस फोर्स भी लगाई गई है, इसी के साथ ही कांवड़ियों की यात्रा भी शुरू हो गई है, दूर दूर से कांवड़िए आ रहे हैं और गंगा जल लाकर अपने अपने क्षेत्र में शिव मंदिर पर जल चढ़ा रहे हैं। ऐसे एक जत्थे में 40 लोग शामिल होकर कांवड़ लेकर वापस लौट रहे थे, ये जत्था जालौन जिले से आया हुआ था, जालौन से सरगिमपुर राम की दूरी लगभग एक तरफ से 130 किलोमीटर है, सभी कांवड़िए इस सफर को पैदल ही तय कर रहे हैं।
बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में शिव भक्त मोटा महादेव मंदिर पर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं। शिव भक्तों की मोटा महादेव मंदिर में लंबी कतारें लग रही हैं, जहां पर सभी भक्त जो हैं भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे हैं और बाबा भैरव का आशीर्वाद ले रहे हैं। बता दें कि मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद भैरव बाबा का दर्शन जरूरी होता है, इनके दर्शन के बिना यात्रा सफल नहीं होती। तो ये आपको सभी लोगों को विदित है कि पहली मार्च को शिवरात्रि का त्यौहार है, उसके रूप में हरिद्वार से जो जल लेके कावड़ी आ रहे हैं और दूर दूर पीलीभीत हो, शाहजहाँपुर हो, कामपुर हो, फराबाद हो और चाहे उत्तराखंड में रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, सब भक्तगण सब अपना जल लेके आ रहे हैं और मोटा महादेव मंदिर पर लगातार जल चढ़ा रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान पर जा भी रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से हमने महिला काशी भी लगी है, संस्था भी लगी है, एसी भी लगी है, रूट भी आए हुए हमारे पास, ट्रैफिक पुलिस भी लगी है, हर बैरियर पर हमने रूट डाइवर्ट भी कर रखा है जिससे किसी को भक्तगण को किसी को असुविधा ना हो। सुचारू रूप से हमारा आवागमन वाहनों का कावड़ियों का देख रेख में पूरा अच्छी तरह से। मैं पुजारी मोटा महादेव मंदिर, मैं शशिनाथ शुक्रपुरी राजेंद्र नाथ, मैं पिछले 1989 से बाबा जी यहाँ पे सेवा करता और यहाँ पे लगा लीजिए कि बहुत कभी बहुत कम भीड़ हुआ करती थी, लाखों लाखों की तादाद है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। आज देखिए लाखों लोग लाइन में लग के चला रहे हैं। बस हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर मेले को मनाइए। ये सबका है, ऊपर वाला सबका है। कहते हैं ना तमन्ना लाख करते हैं इरादे टूट जाते हैं, वही तो करते आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। मैं सब उसी बात को कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे बाहर से जैसे हमारे सीओ साहब हैं, हमारे आईसीएम साहब हैं, हमारे कप्तान साहब हैं, हमारे जो एसएससीडी साहब हैं, लोग इतनी मेहनत से लगे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों सहित हमीरपुर जिले की भी एक बेटी यूक्रेन में फंस गई है जो यूक्रेन के ताज़ा हालात से घबराई हुई है और अपने देश भारत आने के लिए परेशान है। छात्रों ने पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हुआ था। इस बात की जानकारी तब हुई जब जिला प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू की। वहीं छात्रा के यूक्रेन में फंसे होने से परिजन बेहद परेशान हैं, लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं वहाँ पर फंसे सभी छात्रों को सकुशल भारत वापस लाए जाने की मांग भी कर रहे हैं। व्हाट्सएप में वॉइस कॉल होती है, वहाँ नेट की प्रॉब्लम है। मेरा नाम मुकेश कुमार है, बी एफ प्रतिष्ठा गुप्ता। उसे व्हाट्सएप पे कॉल होती है, वहाँ बेसमेंट में बच्चों को रोका जाता है रात में, दिन में तो रूम में आने दिया जाता है हॉस्टल में खाना वाना बनाने के लिए। बस एक दो दिन का उसके पास राशन बचा, बस ख़त्म हो रहा है, इतना स्टाफ भी नहीं था। अब वहाँ मार्केट भी नहीं खुल रही है, कर्फ्यू है। कितने लोग होंगे उस हॉस्टल में? 500 बच्चे हैं लगभग। और क्या बात बताती है वहाँ की? अब वहाँ डर का माहौल है।
बम बम गिरने की आवाजें आती है। सहारनपुर में नंबर बदलकर ट्रैक्टर किसानों को बेचने के मामले में अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सभी ट्रैक्टर्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही कई अन्य ट्रैक्टर भी बरामद होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा के एक दर्जन से ज्यादा एजेंसी संचालक भी पुलिस के रडार पर है। बता दें कि गलत चेसिस नंबर ट्रैक्टर किसानों को बेचे गए थे, जिसकी शिकायत होने के बाद पुलिस ने छानबीन की तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। पुलिस ने 23 ट्रैक्टर फर्जी चेसिस नंबर के पकड़े हैं। ये सभी ट्रैक्टर एजेंसियों से खरीदे गए थे। 4 ट्रैक्टर माहीपुरा स्थित एजेंसी से खरीदे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक एजेंसी के मालिक मुस्तकीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर के चेसिस नंबर से छेड़छाड़ की गई है। हमने एजेंसी से ट्रैक्टर लिया, मुस्तकीम की एजेंसी से। कहाँ पड़ती है ये? यहाँ पड़ती है माहीपुरे में। अच्छा जी, उससे लिया। अच्छे यार, 14 मॉडल ट्रैक्टर है, कागज हमारे पे ओके है। कितने का लिया था ये? 4,20,000 का लिया था। 2014 में नया ट्रैक्टर लिया? हाँ, नया ट्रैक्टर लिया। अच्छा, तो अब क्या हुआ फिर आपके साथ? क्या शाम मगरिब के टाइम कम से कम 20 गाड़ी ना 20 आदमी गए पुलिस के, और वह ऐसे बढ़ गए घर में जैसे चोरी का ट्रैक्टर हो। अच्छे उठा कर लड़कों के दम से मुख्य देख कागज पर बैठ जाती अच्छी, और उसको बिठा कर ट्रैक्टर लेते आए। तो अब आप कहाँ पर आए? मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था। अच्छी, यहाँ पे कहाँ पे आए? यहाँ ट्रैक्टर, यहाँ लाइन में खड़ा कर दिया ट्रैक्टर लाइन में। मामला यह है जी, हम किसान हैं, हमने ट्रैक्टर लिया था कृषि के लिए। कब लिया था ट्रैक्टर? लिया था जी हमने 2015। बताओ पूरी बात। और जी कल थाना ब्यारीगढ़ के जो एसओ साहब हैं वो ऐसे गए, मैं खेत में काम कर रहा था तो खेत में से मुझे ट्रैक्टर सहित ऐसे उठा लाए जैसे मैं टेररिस्ट या कोई बदमाश हूँ। और हम ये चाहते हैं, ना तो हमें ये बताया गया कि हम क्यों लाए। हमने पूछा कि हमारा दोस्त क्या है जी, एसओ साहब ने ये कहा हमें कि दोस्त तुम्हारा ये है कि तुमने ट्रैक्टर चोरी का ले रखा। कन्नौज में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। इस बार ये सवाल स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरों के बंद होने को लेकर उठाए जा रहे हैं। कन्नौज के मंडी समिति स्थित सदर विधानसभा के एक स्ट्रांग रूम में देर रात अचानक सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे, हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें चालू कर दिया गया, जिसके बाद सपा ने प्रशासन से सवाल करते हुए बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। कैमरे जो मत पेटियां रखी हैं वो कैमरे वहां बंद कर दिए। गंभीर मामला है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां पर मशीनें बदली जा रही थी, लेकिन हमारे दिमाग में संदेह तो आता है कि आखिर इतना गंभीर मैटर कैमरे कैसे बंद हुए। ये प्रशासन को बात साफ करनी चाहिए, बतानी चाहिए, और हमारे तमाम कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए हैं। क्यों, हम समाजवादी लोग हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। प्रशासन के दिमाग में अगर ये हो किसी तरीके से हम हेरा फेरी मतगणना में या मतपेटियों में रखी मतपेटियों में कर लेंगे तो हम समाजवादी लोग हैं, अन्याय के खिलाफ अपनी जान भी दे देते हैं। ये प्रशासन को समझ लेना चाहिए, और आने वाला दिन भी समाजवादी पार्टी का होगा, इसलिए सोच विचार के और अपना दिमाग ठीक करके काम करें। बुलंदशहर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर रामघाट के गंगा घाट से अलीगढ़, अथरौली, मथुरा और अन्य स्थानों के लिए कांवड़ भरकर ले जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाट पर व्यवस्था की गई है, जिसका जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। बिजनौर में सर्विलांस टीम और हल्दौर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है, जिसमें 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उनके पास से चोरी किया गया सामान और ट्रक भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए सामान की कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने इस वारदात का खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी देने की घोषणा की है। थाना हल्दौर के नूरपुर रोड पर सरदार ढाबे पर एक ट्रक चोरी हुआ था, जिसमें पान मसाला और तंबाकू था। 12 तारीख को अभियोग पंजीकृत हुआ था। मॉडस ऑपरेंडी यह था कि जो अपराधी थे वो भी ट्रक से थे। इन्होंने मौका देख करके ढाबे पर खाना खाते समय चालक हरिश्चंद और परिचालक राजेश
को ओवरलुक करके ट्रक चोरी करके माल अपने ट्रक में ट्रांसफ़र करके माल को बेच दिया हापुड़ क्षेत्र में। स्थानीय पुलिस सर्विलांस टीम द्वारा चार अभियुक्तों को नईम, जावेद, फारूक, वसीम को गिरफ्तार किया है। तीन वांछित हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से दो तमंचा, दो चाकू, दो ट्रक तंबाकू और पान मसाला के 38 कार्टन बोरे बरामद किए गए हैं। कीमत लगभग 75 से 80 लाख रुपए का। इस सराहनीय काम के लिए पुलिस को 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बरेली में जमीन के विवाद में पैमाइश के दौरान बीजेपी विधायक के भाई और भतीजों ने मठ लक्ष्मीपुर गोंठिया के ललिता प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को पीट कर घायल कर दिया। शिकायत पर इज्जतनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ है। इज्जतनगर के सैदपुर हंकिस निवासी ललिता प्रसाद ने बताया कि उनकी जमीन पर राम बहादुर, तुलाराम और रामदेव से खातेदार हैं। इन लोगों ने अपने हिस्से की नगर क्षेत्र की सारी जमीन भूमाफिया और सफेद पोशों को बेच दी। बाकी जो जमीन है वो उनकी है, जिसे उन्होंने नहीं बेचा है। आरोप है कि उनकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन में भी जलवा है। इसकी वानगी संभल में देखने को मिली, जहां भारत सरकार यूक्रेन में फंसे जिन छात्रों को वापस लाई है उनमें चार संभल के हैं। वहीं छात्रों और उनके परिजनों ने भारत सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग के बीच संभल के 13 छात्र भी वहां फंसे, जिन्हें लेकर परिजन जहां चिंतित थे तो वहीं छात्र भी परेशान थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों को वापस भारत लाने का आश्वासन दिया था, जिसके तहत एक जत्थे को भारत सरकार ने दिल्ली लाया था, जिसमें संभल के भी चार छात्र शामिल थे। हम तो साहब कहना क्या चाहेंगे, कहना यही है कि ये हमारा बेटा जो फैजान अशरफ है यूक्रेन में था, यूनिवर्सिटी में उस ग्रोड में, और वहाँ के हालात ख़राब थे ही, तो बेहिसाब परेशानी थी, बेचैनी थी। लेकिन हम तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ की सरकार को कि उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कदम उठाकर और हमारे बेटे को और उसके साथ 240 लड़के जो आए हैं फ्लाइट से, एयर से आए हैं, हवाई जहाज़ से, तो सारे लोगों को मतलब दूसरे मुल्कों में पहुंचाया और फिर वहां से यहां हिंदुस्तान पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाया, और दिल्ली पहुंचाने के बाद फिर यहां की यूपी की गवर्नमेंट ने अपनी गाड़ी से हमारे घर तक भिजवाया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब सरकार ने ऐसा कदम, ऐसा सराहनीय कदम है ये कि इस कदम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत अच्छा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये उठाया है और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि जब हम यूक्रेन में थे तो वहाँ पर कीव में और खार्किव साइड में ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन जिस साइड हम थे उस रोड में वहाँ तो कुछ सेफ थे हम। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया हिंदुस्तान को। पहले हम बसों से, बस द्वारा वहाँ गए, हंगरी बॉर्डर पर गए, हंगरी से वहाँ से हम प्लेन से दिल्ली आए, और इस हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैनपुरी में बेवर पुलिस की मिलीभगत से गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जहां पर एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान कार में आग लग गई। वहीं आग लगने से कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आपको बता दें कि पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं घटना के बाद कार का मालिक और गैस रिफिलिंग कराने वाला दुकानदार दोनों ही मौके से फरार बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।